गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज 14th February है। आज बहुत खास दिन है। काफ़ी लोगों को खास इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, लेकिन इसलिए खास नहीं है मेरे लिए। आज वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, ये भी एक खास बात है। लेकिन सबसे खास बात जो है वो है आज मैं खेलने जा रहा हूँ मर्सिडीज़ का गोल्फ टूर्नामेंट। ये मेरा पहला टूर्नामेंट है मर्सिडीज़ का, और इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। रात को नींद भी नहीं आया ठीक से, क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आती कई बार। तो फिलहाल बज रहा है 9:15 और मैं अभी 15 मिनट में घर से निकलूंगा। 12:30 बजे से मेरा टूर्नामेंट है, तो पूरा दिन आज जो है टूर्नामेंट में ही निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज अच्छा खेलूंगा और आप लोग को कुछ दिखा पाऊंगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग को और मजे लीजिए। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ गोल्फ कोर्स के लिए, और आज का जो मैच है वो दिल्ली गोल्फ कोर्स है। यहाँ से मुझे 1 घंटा के आसपास लगेगा, तो सीधा मिलते हैं आप लोग को गोल्फ कोर्स में। 11 बज गया है, आप देखो मुझे 11 बजे पहुँचना था, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ, गाड़ी मूव ही नहीं हो रहा। आप देखो कैसे ट्रैफिक है। तो हम पहुँच गए हैं दिल्ली गोल्फ क्लब और 11:30 बजे हैं अभी। तो अभी मैं एक कप कॉफ़ी पी रहा हूँ, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा। 12 बजे ब्रीफिंग होगा, उसके बाद 12:30 बजे पहला शॉट होगा। आई वेरी एक्साइटेड। Control made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Desk maintained card. So if you haven't done so already, go to the registration desk area and you can return in your car keys. They're going to make a detailed inspection of every car, every Mercedes car in the parking lot. And there's going to be a prize for the best maintained card. Seniors over 70 can play off the white tees. So again, we are doing this to speed up the game. Seniors over 70 are playing off the white tees. In case there's any discrepancy in your portal when you open the app and somebody has changed their group, we will be updating it at the back end after the tee off. So don't worry. All you have to do is refresh the app after say half an hour and the correct four ball will come up. If your handicap needs to be corrected also, we will be doing that correction after the tee off, so you get refreshed on the apps. चार होल हमने खेली है, ये पांचवा होल हमारा चल रहा है और ग्रीन देखो कितना सुंदर लग रहा है। और आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं दूसरे शॉट पे पहुंच गया हूँ। 4:30 बजे तक मैच ख़त्म होगा और कितना खूबसूरत व्यू है। Sorrow, just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? अभी 5 होल और है, 4 बज चुका है। 4 बज गया ना, बस अभी 4-5 होल और है उसके बाद ख़त्म। मौसम बहुत बढ़िया है ना, सही लग रहा है एकदम। 4:15 हो गया है और बस 3-4 होल और बच रहा है। तो ऐसे मौसम में खेलने का मज़ा ही अलग है। आज धूप भी निकला हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है खेलने में। और इस होल में हम सेकंड शॉट में ग्रीन पहुंच गए हैं
होपफुली बर्डी, और नहीं तो पार तो ज़रूर लगेगा। बहुत ही अच्छा शॉट मारा था मैंने सेकेंड शॉट, और सेकेंड शॉट में ग्रीन है एकदम ग्रीन में, आप देख सकते हैं। वो देखिए मेरा बॉल। Starting the award ceremony in 5 minutes. So we'll be starting in 5 minutes. Grab a drink and be comfortable. You'll be starting the awards presentation in 5 minutes. Thank you. The best 10, 15, 20 golfers, let's say in Bangkok. We have a tournament out there. That's my only thing to you. I hope you have enjoyed it. I would love you to give your suggestions to Vidur and to Rohan, whatever. I hope you can improve every year. But Rishi, thank you. तो गाइस एक अच्छा राउंड के बाद अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा डिनर भी कर लिया है और गेम ठीक ठाक था, मतलब उससे अच्छा खेल सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आज का गेम ख़त्म हो गया है और अभी मैं घर जा रहा हूँ। मेरे को लगेगा 1.5 घंटे के आसपास, और सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हालांकि ट्रैफिक नहीं होता तो 1 घंटे में पहुँच जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 1.5 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। तो सामने देखो ग्रीन लाइट है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, एकदम कितना ट्रैफिक जाम है। अभी 7:15 हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, देखो कैसे गाड़ी चल रही है। और ग्रीन लाइट था, गाड़ी मूव ही नहीं हुआ, और ये देखो रेड लाइट हो गया फिर से। मतलब ये हाल है दिल्ली का कि ग्रीन लाइट में भी गाड़ी मूव नहीं होती है, सोचो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस ये है मथुरा रोड, और अब देखो गाड़ी कैसे चल रही है, पूरा चौको ब्लॉक है। 10 मिनट से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, आगे ग्रीन लाइट है लेकिन गाड़ी ऐसे लग रहा है कि मूव ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो जाता है इस टाइम में, 7:30-8 बजे के आसपास, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग का दही बन जाता है। देखो आप खुद ही देख लो, ग्रीन लाइट दिख रहा है आपको, लेकिन गाड़ी कैसे चल रही है आप देखो। अरे बाप, ये भाई साहब जो है देखो यहीं से रुक के यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, बताओ। ऐसे ऐसे नमूने आपको मिलेंगे, मतलब बीच सड़क में रुक के खरीदारी शुरू कर दिया, और ये बाइक वाले को देखो मतलब घुस ही जाएंगे ऐसे लग रहा है। अरे यार इनके चक्कर में ना पूरा रास्ता जो है जाम रहता है। थोड़ा सा सेंसेबल ड्राइविंग लोग कर ले ना तो गाड़ी फिर चलने लगती है। आप देखो कैसे चल रही है, सिर्फ वो गाड़ी एक रुक दिया था रास्ते में कुछ खरीदने के चक्कर में, और बाइक वाले आ जाते हैं, बस चौको जाम हो जाता है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब नए नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, और मुझे गोल्फ खेलना बहुत पसंद है, काफ़ी नए लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपने देखा कि कितना शानदार गोल्फ कोर्स था, दिल्ली गोल्फ कोर्स तो बहुत ही अच्छा कोर्स था, मौसम भी बहुत बढ़िया था। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलिए जो भी आपको अच्छा लगता है, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस बस्टर हो जाता है, और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर खेलिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करिए। और अभी मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी कर लूँ। तो हम पहुंच गए अभी अपोलो हॉस्पिटल, और अभी भी ख़तरनाक जाम है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और इसीलिए मैंने ना ऑटोमेटिक गाड़ी लिया है। अगर आप समझ लो कि गियर वाला गाड़ी लेते ना बहुत ज़्यादा में परेशान हो गए, गियर क्लच ब्रेक करते करते ना परेशान हो जाते हो आप। और इसीलिए मैंने अभी सोचा कि भाई इंडिया में तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी ही लेना ज़रूरी है। आप कमेंट में बताना आपको कौन सा गाड़ी पसंद है। ये देखो बस देखो कैसे ज़बरदस्ती एकदम घुसा रहा था। ओ ये लोग ना ऐसे गंदे चलाते हैं। तो आप कमेंट में बताना आपको कौन सा गाड़ी पसंद है, ऑटोमेटिक गाड़ी पसंद है या मैनुअल गाड़ी पसंद है। मैनुअल गाड़ी जो है वो आप नहीं चला पाओगे इस तरह के ट्रैफिक में, बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी चूज़ किया। आपको कौन सा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं। जितना मैं खेल के थका नहीं उतना तो मैं ड्राइव करके थक गया हूं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, अभी 9 बज रहे हैं, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं,
मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।